12 बजे तक आप हमें बसों को दे दीजिए। सरकार जानबूझकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, जानबूझकर मजदूरों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, हमारे पास लगातार खड़ी है। हम तो बसों को लेकर सरकार ने कहा है नोएडा गाजियाबाद लेकर जाएंगे और मजदूर जी। कांग्रेस ने यहाँ पर 1000 बसों की दावा किया था, यहाँ 15 से 20 बसें, क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं बसों की रेला यहाँ लगी हुई है, लगातार बसें आ रही हैं। काउंटिंग की है, आप गिनती कर लीजिए, आइए मैं आपको गिनती करा दूं। आप गिनती करा दे, आइए चलिए 500, अगर 600 बस से एक भी कम हो और 400 बसें आ रही हैं, 10-15 मिनट में पहुंच रही हैं, 1000 बसों को लेकर हम पहुंचेंगे। हमको सवेरे रात को 12 बजे सूचना दी जाएगी तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और हम बसों का नंबर दिए हुए हैं, हम प्रतिबद्धित है इसके लिए, संकल्पित हैं कि हम बसों को देंगे। 1000 बसों को हम उनको शाम तक कह देने के लिए शाम तक उनके बसों को देंगे नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर। अध्यक्ष जी, लॉकडाउन के अलावा 2 महीने का समय पूरा होने को है, इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था क्यों हो रही है, आशे के बाद ही ये सब क्यों हुआ? देखिए, सरकार लगातार मजदूरों की बेवसी का फायदा उठा रहे, उनका मजाक उठा रहे। पैदल चलने पर हमारे मजदूर भाई दिवस भूखे नंगे पैर चलने पर लगातार आमदा है, इसलिए कि ये सरकार उन लोगों के बारे में कहीं चिंता करने का काम नहीं कर रही। जब मीडिया ने लगातार इस बात को दर्शाया, जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी मजदूरों की बात करती है, तब ये सरकार को कड़ी नीति से सुनती है। जब हम बसों की बात करते हैं, तब ये कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बस है। इसके पहले उनके पास बसें नहीं होती हैं कि मजदूरों को उनके घरों तक छोड़ने की व्यवस्था। अध्यक्ष जी, ज्यादातर जो मजदूर मिलता है वो सब राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर का निकला है। हमने ज्यादातर जो बातें की इन 2 महीनों उस समय से, जब पैदल रास्ते चल रहे थे, तो राजस्थान बॉर्डर तक राजस्थान सरकार ने उनको क्यों नहीं छोड़ा? यूपी के बॉर्डर तक छोड़ने की प्लानिंग होनी चाहिए थी उनकी। देखिए, बड़ा स्पष्ट कर दूं, राजस्थान में आप चले जाइए कहीं भी, क्या आप पंजाब में चले जाइए कहीं भी, एक भी मजदूर साथी पैदल चलने पर जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, अगर जो मजदूरों को दिक्कत हो रही है, वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, यहाँ की सरकार न अनुमति दे रही है, और उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रवासी भाई हैं, वो घरों से जा पाने की स्थिति में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जानबूझ के सरकार मजदूर विरोधी काम कर रही है। 80% मजदूर जो है वो राजस्थान से चल के यूपी बॉर्डर तक पहुंचा, उस समय के ये 2 महीने मिले, उस समय राजस्थान सरकार ने इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये 300 से 400 किलोमीटर यूपी के बॉर्डर तक तो कम से कम उनको रिलीफ मिल जाता? देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मजदूर, जिसको राजस्थान सरकार ने लगातार पत्र लिखकर और उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुमति मांगी कि हम उत्तर प्रदेश के प्रवासी भाइयों के उनको घर तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, अनुमति। वैसे कांग्रेसी बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, बसों को परमिशन नहीं मिल रही, अब क्या पोजीशन है? शाम हो चुकी है। देखिए, अभी तक उन्होंने बसों के लिए परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। एमएचए की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इंटर स्टेट बस मूवमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद पास इशू होने के बाद में ही बसों को परमिशन मिलती है आने जाने की। बसों को परमिशन देने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, और जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिटर्न परमिशन, जहाँ से ओरिजिनेट करती है, जैसे कि इन्होंने उसके लिए इन 3 चीज़ों के साथ बस के परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, इसलिए इनका पास इशू नहीं हो सका, और क्योंकि पास इनके पास था नहीं, इसलिए इन लोगों को जाने नहीं। सर, कई बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके द्वारा धरना दिया गया था, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, किस पुलिस ने गिरफ्तार? राजस्थान यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि वो राजस्थान की सीमा में बैठे हुए थे, तो उनको राजस्थान की पुलिस ने उनकी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में डाल के उनको यूपी की तरफ भेज दिया है। उनके पास जो है राजस्थान में उनकी कोई गिरफ्तार नहीं। सर, अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार की क्या गाइडलाइन है, परमिशन इनको बसों को दी जाएगी या नहीं? अगर इनके पास जो अप्लाई करते हैं ये ऑफिस में, ये ऑफिस से अगर बात ही सुविधा नहीं होती है। Gracias.
कुछ नहीं नहीं जाएंगे उमेर भाई, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चलो बैठो कहीं ने कटाए खेल की दीवार हमारे कर सकती, ना झुके हैं ना झुकेंगे, हम लड़े हैं और लड़ेंगे और इस जुल्मी अन्यायी अत्याचारी सरकार का जवाब देने का काम करेंगे। हम लगातार संघर्ष के साथ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी भारी सरकार। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।